हाय दोस्तों, सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने लगेज के साथ ऑलरेडी। और मेरा भाई सम्राट आ चुका है मुझे लेने के स्टेशन के लिए हम निकलेंगे अभी। सो चलिए बाद में मिलते हैं स्टेशन में। थैंक यू दोस्तों। ये है हुजाई शहर का सुबह का नज़ारा, एकदम रास्ता खाली है और मेरा भाई बाइक चला रहा है मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और हम तकरीबन स्टेशन के पास पहुंच ही चुके हैं। और ये हम एंटर कर रहे हैं स्टेशन की ओर। ये है हमारा खूबसूरत हुजाई स्टेशन। बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा ही अलग है, इतना शांत, इतना बढ़िया लग रहा है। देखिए कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह हुजाई स्टेशन के 4:51 हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं स्टेशन पर। बाकी हुजाई का स्टेशन बहुत खूबसूरत बन चुका है अभी। तो हमारी ट्रेन इस तरफ से आएगी, कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। तो देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। और दोस्तों ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। दोस्तों मुझे अपनी सीट मिल चुकी है और ट्रेन भी छोड़ चुका है। ये हुजाई स्टेशन हम छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम आके 2 दिन का ट्रेन का जर्नी करने के बाद फाइनली हम वाइजैग में आके पहुंच गए हैं।
तो अभी हम स्टेशन में ही हैं और कुछ ही देर में हम यहाँ से जो है अपने होटल के लिए निकलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं होटल में। हाँ हेलो दोस्तों, अभी हम होटल जा रहे हैं। ये हमारे साथ के सारे कलीग्स हैं, पूरे गाड़ी भरे हुए हैं, 10 लोग हैं हम लोग यहाँ पे। तो हाई कर दीजिए हर कोई। तो सारे बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग और थोड़ी देर में होटल पहुँचने वाले हैं। होटल में तो मस्ती होगा ही फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। तो अभी फिर दोबारा मिलेंगे होटल में। हाय फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। यहाँ ये नोवोटेल वाइजेक का होटल है, हम यहीं पे ठहरेंगे और जस्ट अभी पहुँचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग नॉर्थ ईस्ट या अलग स्टेट से भी शायद कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एंट्री भी मिल रही है। हम अभी घुसने जा रहे हैं अंदर, हम फिर से बाहर आएंगे और आपको बहुत बढ़िया नज़ारा है इसका चारों तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए, एकदम नज़दीक में ही जो है समुंदर है, एकदम ठीक होटल के बाजू में समुंदर है। तो नज़ारे हम देखेंगे, तो एक बार एंट्री ले लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, होटल में एंट्री हो गई, जूस पी लिया, अभी कॉफ़ी पी रहे हैं और सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर कोई मिलके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मौज मस्ती हो रहा है। अभी जस्ट एंट्री है, अभी बहुत सारा होने बाकी है। आज पहला दिन है और ये पहला टाइम है, अभी तक हमें रूम अलॉट नहीं हुआ है, अभी तक हमको रूम नहीं मिला है। रूम मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारा एंजॉयमेंट और हम होटल का व्यू भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सामने बीच है, हो सके तो पहले ही दिन थोड़ा बीच में भी जाएंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू आज मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पूरा होटल का व्यू मिलेगा और कितना सारा एंजॉयमेंट हम करेंगे ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। ये है वरुण बीच जो कि नोवोटेल के बिल्कुल सामने है। सिर्फ ये रास्ता को क्रॉस करने की ज़रूरत है, ये रोड क्रॉस करते ही ये वरुण बीच है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार नज़ारा है। वैसे भी समुंदर का नज़ारा बढ़िया होता ही है, एकदम बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं हवा चल रहा है समुंदर से। और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस एम्यूजमेंट पार्क भी है बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया है। और यहाँ से आप सीधा देखेंगे तो वहाँ दूर जो है वो विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो दिख रहा है, जो कि कहा जाता है कि जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो यहाँ से दिख रहा है। तो सामने ही है, हम जा भी सकते हैं वहाँ पे। जाएंगे तो आपको नज़दीक से वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। और ये है नोवोटेल होटल जहाँ पे हम ठहरे हैं। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया, ये दिन का व्यू है, रात में इसका व्यू जो है और भी बढ़िया दिखता है, शानदार दिखता है। यहाँ पे डिस्प्ले चलता है रात में। और इसके ऊपर जो है, यहाँ पे इसके ऊपर स्विमिंग पूल भी है, वो हम सामने जाके भी आपको दिखाएंगे जब ऊपर जाएंगे। अभी ये बाहर का फ्रंट व्यू है होटल का, यहाँ से एंट्री होता है। धीरे धीरे हम आपको पूरा होटल का एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और ये हमारे एक ज़बरदस्त लीडर है त्रिपुरा से, मिस्टर पिनाकी देव जी। पिनाकी जी कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? ये तो मतलब स्वर्ग है धरती पे, इधर देखो, दिखाओ सबको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही दिखा रहा था, ये मोदी के लिए ही पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल, सच में तो जब मैं थाईलैंड गया था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा काम के लिए इतना बड़ा रिवार्ड। आज ये आके
इससे भी ज़्यादा बड़ा रिवार्ड इसको लग रहा है, या तो एकदम ही कुछ काम नहीं था। सही है सही है, बहुत थोड़ा बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाइक दे रहा है दो दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? यार चोट के करो, मतलब जी जान लगा दो, ज़्यादा कुछ कठिन काम तो है नहीं। बिल्कुल, हम लोग जहाँ तक पहुँचे इतने तक पहुँचने के लिए इतना कुछ करना नहीं चाहिए, दुकान को बदलना है बस, और क्या है। बिल्कुल सही बात है, काम कीजिए बॉस, हर कोई कीजिए, हर कोई अचीव कर सकते हैं। सही बात है सही बात है, बहुत बढ़िया। और पिनाकी जी आपके साथ कौन है? मैं तो अपनी बेटी को लेके आया साथ में, और मेरा वाइफ और छोटे बच्चे को नहीं ले पाया, वो बहुत ही छोटा है घर में, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, मिस कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा था। बेटा आप क्या बोलोगे, आप कुछ बोलोगे? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। होटल कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। अभी भी तो पूरा होटल देखना बाकी है। हाँ। तो क्या क्या करना चाहोगे यहाँ पे? मैं तो फर्स्ट जाऊंगी समुंदर पे, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। ओके। और फिर होटल पे। ओके ओके ओके। स्विमिंग पूल रहेगा? स्विमिंग पूल तो वहाँ पे ऊपर में है। नहीं ये स्विमिंग पूल नहीं है, वहाँ पे ऊपर में स्विमिंग पूल है, ये तो जस्ट फाउंटेन है, यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। ओके थैंक यू बेटा। वेलकम।